बहुत भवदीप बना हुआ है और जो गर्भगृह बना है वो अपने आप में अलौकिक है, अद्भुत है। और जहाँ वहाँ बैठ करके और खड़े हो करके जिस रूप में भी नई मूर्ति जो बनी है उसको स्थापना करके और जो उनको श्रृंगार करके दिखाया जाएगा तो वो दृश्य अद्भुत लगेगा। वैसे हमारे जो रामलला जी हैं जो अभी त्रिपाल में रहे, फिर अभी अस्थाई मंदिर में हैं, ये भी वहाँ विराजमान होंगे और इनका भी दर्शन समान जितने भी दर्शनार्थी आएंगे सबको होगा, क्योंकि जो आएंगे तो देखेंगे भाई वो पुराने वाले मूर्ति कहाँ हैं, इसलिए उस मूर्ति को ऐसे रखा जाएगा इस प्रकार से जिससे कि सामान जो भी दर्शनार्थी आवे वो उस मूर्ति का दर्शन करें और ये छोटी मूर्ति है दर्शन करें। तो इसलिए बहुत आनंद है, बहुत इतने दिनों तक वो टेंट में जो परेशानियां रही वो सब भूलना पड़ेगा और इस रूप में रहे तमाम समस्या रही, फिर भी वो पूजा अर्चना होती रही। अब जो वहाँ विराजमान हो जाएंगे तो वह आनंद आएगा जो स्वर्गीय आनंद है, ऐसा दिखाई देगा। छोटे मूर्ति के रूप में जो चारों भाई हैं, बड़ी मूर्ति में जो हैं, ये सबका दर्शन बहुत ही अद्भुत लगेगा।